तो जी तो मैं रेडी हो चुकी हूँ बिल्कुल, बस बेबी कुछ जल्दी जल्दी रेडी करती हैं। 6:41 हो रहे हैं और 7:30 हमने इंशाल्लाह एयरपोर्ट के लिए निकलना है, तो जल्दी जल्दी वली को रेडी करते हैं, सामान गाड़ी में रखते हैं और निकलते हैं, और फिर आपको भी जाके मिलते हैं। बैग्स भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हैं, बस अब नीचे जाते हैं, जॉगर्स पहनते हैं जल्दी जल्दी। और अभी भी हम माशाल्लाह टाइम से पहले हो चुके हैं रेडी, 7:30 निकलेंगे, 7 o'clock हो रहे हैं, तो बस 5 मिनट्स वेट करते हैं और फिर निकलते हैं। कुछ ऐसा है जी मेरा लुक, मैं जल्दी जल्दी रेडी हुई हूँ बस, बिकॉज सुबह का टाइम तक तो दिल भी नहीं कर रहा था, और फिर कहा कि वहाँ जाके फ्रेशन होके ना तो अच्छे से फिर रेडी होंगे, तो बस ये लॉन्ग फ्रॉक टाइप पहन लिया और साथ कैपरी पहन लिया, साथ जॉगर्स पहन लिए, बिकॉज बेबी का अगर हम सरसल हैंडल करना है तो जॉगर्स ही बेस्ट रहेंगे इस तरह के टाइम पे लिए। तो चलिए बस हम निकल रहे हैं फटाफट, सारा सामान सामान आ गया, पीछे आपको नजर भी आ रहा होगा, तो एयरपोर्ट चलते हैं। सो हम एयरपोर्ट आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं अंदर। वैसे तो रोड ट्रिप्स का भी बहुत मज़ा आता है, लेकिन बेबी छोटा है ना, इस वजह से वो इतना बैठ नहीं सकेगा, तो इसलिए हम जा रहे हैं प्लेन में। और अभी तक एनी गेसेस कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो चले अब बोर्डिंग पास वगैरह लेके फिर आपको मिलते हैं। करा दी अपनी कार सीट बुक, अब यहाँ से हम लेंगे स्ट्रोलर का टायर और फिर स्ट्रोलर भी बुक करा देंगे और फिर हम जाएंगे अंदर। और काफ़ी अच्छा एयरपोर्ट बना हुआ है, लिटरली दिल खुश हो गया, साफ सुथरा, इतना खामोशी, सब अपना अपना काम लगे हुए हैं, कोई किसी को बॉदर भी नहीं कर रहा एक्चुअली। बोर्डिंग पास वगैरह मिल गया था, अब हम आए हैं कुछ खाने, इधर हम वेटिंग में हैं और इधर और भी बहुत सी खाने की चीज़ें हैं, ये हलाल है, बाकी हलाल की भी ऑप्शन ज़रा देखनी पड़ती हैं, तो वो सामने हमारा गेट है, बस हम इधर ही रोमा राउंड करें और 10-15 मिनट्स तक हम वापस चले जाएंगे अपने गेट के पास एंड फिर बैठना स्टार्ट कर देंगे। इधर जी वली काफ़ी तंग कर रहे, तो मैंने कहा चलो इसको यहाँ पे प्लेन वाली साइड पे दिखाती हूँ मिरर के आगे ना, तो हम अपने गेट के आगे बैठे हुए थे, तो मैंने कहा चलो इसको थोड़ा सा यहाँ पर इंजॉय कराऊँ, थोड़ा सा ये चिल करे। कितनी वैरायटी है यहाँ पे चॉकलेट्स की, मैंने कहा एक वीडियो बना के आपको भी दिखाती हूँ, फ्रेश देखिए वहाँ पे फ्रेश बन रही है और वो फ्रेश फ्रेश लगा भी रही है, उसको सेट भी कर रही हूँ फ्रेश फ्रेश, काफ़ी वैरायटी है इधर चॉकलेट्स की, तो यमी, ओह वाओ दिस इज़ सो नाइस। फिर खाना ले रहे हैं, वो ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, मैंने कहा चलो हम रूम अराउंड करते हैं, थोड़े बॉडी शॉप के प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कुछ अगर हमें अच्छा लगा तो हम ज़रूर लेंगे। और ये देखें बस ऐसे एयरपोर्ट पे वेट करें अभी, और टिम हॉर्टन्स की लाइन काफ़ी लंबी है जिसके आप देख रहे हैं ना, तो इसलिए वेटिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, फिर ना हर जगह के जाके ये फ्रिज मैग्नेट्स कलेक्ट करने का बहुत शौक है, तो अब इंशाल्लाह जहाँ पे भी हम जा रहे हैं ना वहाँ हम ज़रूर फ्रिज मैग्नेट्स हर जगह का अपने लिए लेकर आएंगे फ्रिज मैग्नेट्स, यहाँ पर सिर्फ कैनेडा के मुझे नज़र आ रहे हैं ज़्यादा ज़्यादा से, और ये हीरिंग्स भी हैं नाइस। बस इसी मैं घूम फिर रही हूँ, कुछ शॉप्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ आपको भी अपने साथ साथ एक्सप्लोर करवा रहे हैं। बस जी हमने जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लिया और अब हम जा रहे हैं प्लेन की तरफ, और काफ़ी अच्छा एरोप्लेन है, छोटा सा है लेकिन इट्स गुड। अल्हम्दुलिल्लाह हम प्लेन में बैठे हुए हैं एंड बस अभी हमने जूस सर्व किया, वली जी आराम से यहाँ पर बैठा है, ये वीडियो लगा है और ये देखिए, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा पैक नहीं करा और बस हम बैठे हुए हैं फ्लाइट में, और ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमें 3 आवर्स आई गेस नहीं 3 आवर्स नहीं 2.5 आवर्स हो गए हमें बैठे हुए एंड वली ने थोड़ा सा नैप लिया, नाउ इज़ अप एंड वॉचिंग द कार्टून और बस एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कैरियर से पहुंच गए हैं जिधर भी हमने पहुंचना था, और यहाँ ये व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग बाहर निकल के होगा और कहाँ का होगा मैं आपको वो भी ज़रूर बताऊंगी कि हम कहाँ आए हैं, तो स्टे ट्यून्ड, इस व्लॉग को प्यार दीजिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।